ज्यादा हाइट मत रखो, सब लोग एक लेवल में रखो। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर गए हैं, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले हैं, बहुत दिनों बाद देखे कि रोड शो कर रहे हैं। किन कारणों की वजह से रोड शो पे भेजा जा रहा है ये हम सब लोग जान रहे हैं, हालांकि ज्यादा इस पे टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लोग जो है यही कहेंगे कि भाई प्रचार कर रहे हैं, हर किसी को अधिकार है रोड शो करने का, सभा में जाने का। तो हम लोग देख रहे हैं बुजुर्ग हो गए हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो भाषण वगैरह जो है वो दे, इस वजह से अब रोड शो पर भेजा जा रहा है, तो अच्छी बात है। ने कहा है भ्रष्टाचारियों को डर क्यों लगता है, पता नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है किसी भी भ्रष्टाचारी को डर क्यों लगता है, कानून तो सबके लिए है। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बिहार के समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, बिहार के किसानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार के नौजवानों के बारे में जिक्र किया है, बिहार में पलायन के बारे में जिक्र किया है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जे के बारे में जिक्र किया है। और कुछ मीडिया चैनल हैं सच्चाई नहीं बताएंगे, 10 साल से है ना प्रधानमंत्री, 14 में क्या कहा था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना दिया पूछे आप, 15 लाख खाते में आ रहा था पूछे आप, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, कौन सी ऐसी योजना है जिससे जो है ये बिहार की तरक्की करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। मेरा मानना है कि क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो ज़्यादा हावी है, और जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। देश की आत्मा गाँव में बसती है और लोकतंत्र की आत्मा जो है क्षेत्रीय दलों में बसती है, क्षेत्रीय दल समस्या क्षेत्र की जानते हैं। तो ये पूरा चुनाव जो है क्षेत्रीय मुद्दे पर ही होगा, और क्षेत्रीय मुद्दे पे होगा तभी जो है विकास की जा सकती है, संभव है। तो प्रधानमंत्री जी तो क्या क्या कहते हैं, बाद में अमित शाह आएंगे कह देंगे कि जुमला था, तो क्या क्या बातें जो है वो लोग कहें इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? मीसा भारती जी ने जो जिस हिसाब से कोई बयान दे नहीं दे इसका बात नहीं, आज देश के लोकतंत्र संविधान को ख़त्म करने की कवायद चल रही है, और कई बार संविधान ख़त्म करने की बात बीजेपी के नेताओं ने कही, आप लोगों ने सवाल दिखाया, आप लोगों ने डिबेट कराया कि बीजेपी के लोग खुल के कह रहे हैं, बिहार में कहा, राजस्थान में कहा, साउथ इंडिया में कहा, लेकिन कहीं कोई दिखाया? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि देश के संविधान को ख़त्म कर देंगे भाजपा के नेता, हमने वीडियो रिलीज़ किया, वो फ़र्ज किसका बनता था, आप लोगों का बनता था। लेकिन एक तरफ समझना पड़ेगा कि जांच एजेंसी या संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो चुकी हैं, कोई ईमानदारी से काम कर रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है, या फिर से याद दिलाना पड़ेगा? तो आप लोग वही बात, ये मोदी की बात नहीं होगी, मुद्दे की बात होगी। मोदी की बात नहीं होगी, मुद्दे की बात।